देश भर में राष्ट्रीय आपदा बनकर आई कोरोना वायरस के टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई। दिल्ली में भी सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर सभी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल में भी टीकाकरण को लेकर सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दिए। संजय गांधी अस्पताल में इस दिन को जश्न के रूप में मनाया गया। अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर को फूलों और गुब्बारों के साथ सजाया गया। चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन और फिर वैक्सीन दिए जाने तक हर काउंटर पर खास व्यवस्था दिखाई दी। साथ ही टीकाकरण के लिए दौरान वैक्सीन की डोज लेने आए डॉक्टरों में भी जोश एवं उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसके अलावा टीकाकरण लगवाने आए डॉक्टरों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि यह टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं डोज लगवाने से पहले थोड़ा घबरा रहा था, क्या होगा कैसे नहीं होगा। अब मैंने लगवाई है शुरुआत, मतलब हमारे जो स्टाफ के हैं 76 हैं हम पूरे वर्कर, सबसे पहले शुरुआत मैंने ही करी है। मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ वेट करते हुए, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, कुछ महसूस कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं है या उससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं और एक मैं कोरोना पॉजिटिव रह चुका हूँ दो बार। जो लोग डर रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि आप भी लगवाओ, मैंने ये वैक्सीन लगवाई है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं अब देखो ड्यूटी भी कर रहा हूँ, ड्यूटी के बीच में आके मैंने लगवाई है। मैं आज वैक्सीनेशन लगवाने का मौका मिला और वी आर वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि वी आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गेट द वैक्सीनेशन डन। एंड अभी तक हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं है और देर इज़ नो पेन, देर इज़ नो नीड टू वरी। आई थिंक एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड एंड मेक दिस मूवमेंट लिटिल बिगर एंड मोटिवेट एवरीबडी टू गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन सेंटर पर सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नैयर ने बताया कि अस्पताल में दो सेंटर बनाए गए हैं जिसमें से एक की शुरुआत 16 जनवरी को कर दी गई है। चिकित्सा अधीक्षक ने वैक्सीनेशन की शुरुआत पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही इमरजेंसी की स्थिति के लिए भी पूरी तैयारियां हैं और जो भी टीकाकरण के लिए आ रहा है उसको आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए ठहरना होगा, उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें दूसरे डोज दिए जाने तक भी लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नैयर ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अस्पताल में दो सेंटर बनाए जाएंगे। एक सेंटर को हमने आज चालू कर दिया है जिसके अंदर 100 हर कैटेगरी के हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन आज दी जा रही है। मरीज को कोई रिएक्शन हो उसके लिए खास इंतज़ाम किया गया है, उनके फॉलोअप के लिए भी हमने इंतज़ाम किया है कि घर जाके भी यदि उनको कोई तकलीफ होती है तो हमें बताएंगे। वैक्सीन शुरू हो गई है, 100 लोगों को आज वैक्सीन लगाई जाएगी। बहरहाल भारत में पहले दिन 3 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को COVID-19 के टीके की खुराक दिए जाने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। गौरतलब है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां बढ़ चढ़कर लोग इस टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। साथ ही इस टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की डोज लेने आए सभी डॉक्टरों में भी खुशी का माहौल साफ देखने को मिला। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।